अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एटीएन टीवी एनी टाइम न्यूज। खुदकुशी या कत्ल, कृष्णा नगर यूसुफ गुड़ा। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद ताहिर नामी शख्स की मुस्तबा हालत में उनके मकान में लाश दस्तियाब हुई। जी हाँ, ये वाकया जुम्मे के दिन यूसुफ गुड़े के इलाका कृष्णा नगर में पेश आया। मोहम्मद ताहिर के घर वालों का इल्जाम है कि उनका कत्ल हुआ है, उन्होंने खुदकुशी नहीं की। आइए देखते हैं मोहम्मद ताहिर के घर वालों ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये हमारे भाई का मर्डर हुआ है और बोल रहे हैं कि सुसाइड करे, लेकिन हमें नहीं लगता ऐसा कि ये सुसाइड केस है। इनका मर्डर हुआ है। आपके भाई का नाम क्या है? मोहम्मद ताहिर। आ रहे थे तो कृष्णा नगर यूसुफ गुड़ा। कब हुआ ये? जी ये जुम्मे के दिन हुआ। आपको इतला हमारे को हफ्ते के दिन इतला मिली हमारे को। अभी लोगों से मालूम हुआ, बाहर से मालूम हुआ, फ़ोन आया हमारे को। पहले हमारे भाई को मालूम हुआ, फिर उन्होंने हमारे को फ़ोन करके बोले ऐसी की बात ऐसी है। पूरे बहनों को हमारे मालूम हुआ ऐसा हुआ, बोले तो हम लोग तो हक्के पिक्के रह गए, परेशान हो गए। उसके बाद में फिर बाद में सुसाइड तो कर ही नहीं सकते हम लोग, कन्फर्म था हमारे को। उसके बाद में फिर हम लोग सुसाइड करें बोल के बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा। सुसाइड केस तो है ही नहीं है। उसके बाद में फिर कन्फर्म करने के लिए फ़ोन करे तो फ़ोन नहीं उठाए। उसके बाद में फिर बोल रहे थोड़ा अच्छे है डैडी, बोले पर डैडी कहाँ है बोल के पूछे हमारे भाई, छोटे भाई फ़ोन करे तो डैडी कहाँ है, बोले तो डैडी ऊपर है, क्या हुआ घर में, बोलते नहीं छोटी मोटी लड़ाई है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा बोल के बोले। इंतकाल के बाद हुई ये बात, इंतकाल के बाद में ये बात हुई। उसके बाद में फिर आधे घंटे के बाद में फ़ोन ना उठाए। उसके बाद में फिर उनकी और एक बड़ी बहन फ़ोन करे, चाचा डैडी का ऐसा इंतकाल हो गया, आप लोग आते नहीं क्या बोल के ऐसा बोले। उसके बाद में फिर हम लोग पूरे जने मिलके आए। आने के बाद में दवाखाने को गए, हमारे भाई पूरे दवाखाने को गए। जाने के बाद में 2-3 घंटे ठहरे वहाँ पे। 3 घंटे ठहरने के बाद में भी वहाँ पे गाड़ी एम्बुलेंस निकल गई बोल के बोले, एम्बुलेंस वहाँ पे नहीं आई। घर पे फ़ोन करे, घर पे उन लोगों की रोमराट हो रही थी। उसके बाद में घर पे आए, घर पे आने के बाद में फिर झूठ झूठ बोल रहे उन लोग, कभी बोल रहे शाम को हुआ, कभी बोल रहे सुबह को हुआ, कभी बोल रहे 2 घंटे पहले हुआ, ऐसे बातें हो रही। अब सुबह की न्यूज़ है कि सुसाइड केस है, ये पीने को नहीं मिला तो सुसाइड कर लिए, बिल्कुल गलत बात है। आप लोगों को बोले ऐसा पीने के वास्ते करे बोले, ये पेपर में आया सो है, पेपर में न्यूज़ देख के हम लोग बोल रहे हैं, साक्षी न्यूज़ में आया सो है। और हमको यकीन है कि वो सुसाइड नहीं कर सकते, ये मर्डर केस है। इनके घर में कुछ ताल्लुकात इससे पहले भी ऐसा लड़ाई, इससे पहले भी उनके घर में ताल्लुकात हुए थे, लॉकडाउन में बाहर निकल गए थे उन्होंने। थोड़ा हम लोगों को फ़ोन पे इतला मिली थी, फ़ोन करके पूछे तो ऐसा निकल गए, पीने को नहीं मिला तो ऐसा निकल गए थे। फिर हम अपोला हॉस्पिटल वाले दवाखाने से घर पे ला के छोड़े बोल के, इतनी इतला हमारे को मिली। उसके बाद हम लोग खामोश बैठे। उसके बाद में फिर ये न्यूज़ मिली, अभी बाहर वालों से न्यूज़ मिली। बाहर वालों से न्यूज़ मिलने के बाद में पूछे हम लोग फ़ोन करके ऐसा हुआ क्या बोल के, छोटे भाई हमारे पूछे तो नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, छोटी मोटी बात है ये बोल के बोले। फिर हमारे भाई ज़रा ऊंची आवाज़ में पूछे डैडी का ऐसा हुआ कहते ना, मेरे को बाहर वालों से मालूम हुआ, मेरा दोस्त वहाँ पे एंकड़गिरी में रहता, उससे मेरे को मालूम हुआ, क्या बोल रहे तुम लोग बोल के पूछे तो फिर नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बोल के बोले उन्होंने। उसके बाद फिर थोड़ी देर ठहरे, दवाखाने को गए उन्होंने, दवाखाने को जाके देखे तो वहाँ पे कुछ भी मसला नहीं था, एम्बुलेंस तो नहीं आई। 2-3 घंटे ठहरे हमारे दो भाइयाँ और हमारा भतीजा भाई बड़े भाई का लड़का ठहरे, कुछ भी नहीं हो वहाँ पे, कोई भी नहीं आए वहाँ पे। उसके बाद में फिर घर पे फ़ोन करे तो फिर घर पे आओ बोल के हमारे भाई को बोले उन्होंने। घर पे गए तो रोने पलाने के मसले वहाँ पे चल रहे थे। उसके बाद में फिर अब हम लगा फ़ोन करे वहाँ पे, क्या हुआ क्या नहीं मसले, फ़ोन करे तो अब झूठ झूठ बोलना शुरू कर दिए। बॉडी तो अभी लेके नहीं आए, बॉडी का हमारे भाई पूछे, बॉडी कहाँ है पूछे हमारे और एक भाई, ये भाई हमारे बॉडी किसके साथ है कि कौन है बॉडी के साथ, बोलते वो सब कई को तुम लोगों को आप लोगों को देखने नहीं दिया, नहीं देखने नहीं दिए बॉडी, देखने तो क्या दवाखाने कंसर्ट ही नहीं है और ऊपर भी चढ़ने नहीं दिए। और बोल रहे हैं चार बेटियां हैं उनको, 2 बेटे हैं और एक बेटा उनका अपाहिज है, और एक बेटा बोल रहे इतला मिली है माँ को क्या दुबई में है बोल रहे, इससे पहले लॉकडाउन में बोले कि बेंगलुरु में था बोले, अब बोल रहे नहीं दुबई में है बोल के बोल रहे। अब वो क्या मसला है हमारे को तो नहीं मालूम, हम तो अभी तक गए नहीं। जी नहीं, हम लोग तो बिल्कुल कन्फर्म है हमारे को कि ये सुसाइड नहीं है, ये कत्ल है।
क्योंकि अकेला आदमी ऐसी मशीन पे अकेला आदमी इतना बड़ा सुसाइड कैरी नहीं सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, मर्डर है ये। आप खुद देख के सुसाइड करने का कभी सोच ही नहीं सकते, सुन सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरा नाम ज़बी है। कल मैं मेरे वर्कशॉप पे काम कर रहा था, मेरे को फ़ोन आया, हमारे भतीजे का फ़ोन आया, फलाना साहब के भाई चाचा का ऐसा इंतकाल हो गया, कहते कटिंग मशीन से गल्ला काट लिए बोल के कॉल आया। तो मैं एकदम परेशान हो गया। होने के बाद मैं क्या करा, फिर हमारे भाई भतीजे और एक भतीजे को फ़ोन करा, तो उनसे इतला मिली कि उनके एक दोस्त वेंकटगिरी में रहते वहीं करीब में, तो उनसे इतला मिली कि ऐसा कटिंग मशीन से गल्ला काट लिए बोल के। तो उतने में क्या करा, मैं पूरा कन्फर्म करके उस्मानिया हॉस्पिटल को हम और एक हमारे बड़े भाई के बच्चे को ले लेके गया। वहाँ पे जाने के बाद में ढूंढे हम लोग, कोई भी बोले नहीं करे नहीं, खैर वहाँ इतला नहीं मिली। तो मैं क्या करा, हमारे एक और एक जिनका बड़े भाई का हमारा इंतकाल हुआ, उनकी लड़की छोटी साहिबजादी को फ़ोन करा, कॉल करा, मेरे नंबर से 2-3 बार करा, कॉल नहीं उठाए, रिसीव नहीं करे। उसके बाद में फिर क्या करा, हमारे भतीजे के फ़ोन से करा, फ़ोन करने के बाद में फ़ोन उठाए, उठाने के बाद में पूछा क्या हुआ, मैं ज़बी चाचा बोल रहा हूँ, हाँ बोलो चाचा क्या बोल के बोला। तो मैं बोला ऐसा हो गया कहते ना, क्या हुआ भाई का कुछ हुआ कहते ना, डायरेक्टली नहीं बोला मैं, ऐसा इंतकाल हो गया, ऐसा हो गया बोल के, कुछ हुआ कहते सुनने में आ, कौन बोले तुम्हारा को बोले। तो मैं बोला मेरा दोस्त रहता वेंकटगिरी में, उससे सुनने में आने ने कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा छोटी मोटी लड़ाई हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कहाँ है डैडी पूछा, तो घर में है बोल के फ़ोन कट कर दिए। फिर उसके बाद में क्या करा, फिर कॉल करा तो नहीं उठाए, तो फिर दूसरे नंबर से कॉल करा, दूसरे नंबर से कॉल करके हमारे भतीजे से बात करने लगाया, उन्होंने भी बात करे कि क्या हुआ ऐसा हुआ, तो आप लोग कहीं घड़ी घड़ी फ़ोन कर रहे हैं, हम लोगों को कुछ भी ना हुआ, डैडी घर में रखो बोल के रख दिए। उसके बाद में ठीक है बोल के मैं क्या करा, चलो घर को जाएंगे, वहाँ पे डायरेक्ट बोल के घर को निकला मैं, बंजार हिल्स पे उस्मानिया से बंजार हिल्स JVK मॉल के पास था, वहाँ पर फिर मेरे को हमारे और एक भतीजी फ़ोन करे, उन्होंने वहीं थे, वो ऐसा डैडी का इंतकाल हो गया चाचा, ऐसा आओ तुम लोग आते क्या, वो ये बोल के पूछ रहे। उसके बाद में हम लोग घर को गए, घर को जाने के बाद में पूछे तो ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा कर लिए बोल के वो बोल रहे, मगर मेरे को तो यकीन नहीं दिख रहा। मैं जब फोटो में देखा, फोटो में तो ऐसा बिल्कुल ही जाहिर नहीं होता कि उन्होंने खुदकुशी कर लिए, क्यों फैब्रिकेशन का काम करते थे उन्होंने। इससे पहले लॉकडाउन में भी मेरे को लोगों से मालूम हुआ, ऐसा बाहर चले गए, ऐसा घर छोड़ के चले गए वो बोल के मालूम हुआ, तो मैं फ़ोन करा तो नहीं आ गए डैडी, वो अपोलो हॉस्पिटल वाले ला के छोड़ दिए, कर दिए बोल के बोले। हमारे को इतला ही नहीं कर रहे, हमारे को आगे दूसरों से इतला मिल रही कि आपके भाई का ऐसा कर लिए जी। हाँ मशीन घर में थी, कारखाना नीचे था, ऊपर रहते थे उन्होंने, तो नीचे रूम में रह रहे थे शायद, उन्होंने कारखाना था नीचे उठा दिए थे, काम वर्क नहीं कर रहे थे उन्होंने कुछ भी, कई सालों से सामान था, सामान नहीं बेचे थे, सामान वैसे ही रख लिए थे। क्यों बोला तो हमको नॉलेज है कटिंग मशीन से, एक इंसान ऐसा नहीं कर ले सकता। हम लोगों को वेल्डिंग, मैं भी फैब्रिकेटर हूँ, मैं भी वेल्डिंग फैब्रिकेशन वेल्डिंग काम करता हूँ, मेरे को कन्फर्म है कि कटिंग मशीन से ऐसा आदमी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, आज साक्षी न्यूज़ में ये आया कि हमारे भाई मोहम्मद ताहिर सुसाइड करे, पीने को नहीं मिला बोल के सुसाइड करे बोल के बोल रहे हैं, लेकिन ये न्यूज़ गलत है। हम लोगों को डाउट है कि उन्होंने सुसाइड नहीं करे, उनका मर्डर हुआ बोल के हम लोगों को डाउट है। तो इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि तेलंगाना गवर्नमेंट से हम लोग इंसाफ चाह रहे हैं, और KCR अन्ना से हम लोग इंसाफ चाह रहे हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस से हम लोग इंसाफ चाह रहे हैं। प्लीज़ हम लोगों को इंसाफ दिलाओ, हमारे मरे हुए भाई की रूहानी को ठंडक मिलती, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोगों को शक है कि ये मर्डर ही है बोल के है। हम लोगों को हमारे ख़ानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ था, हम लोगों का कोई भी ऐसा नहीं करे थे, उन्होंने कैसा कर सकते ऐसा। और थोड़े दिन पहले लॉकडाउन में भी उन्होंने क्या परेशान करे थे कि उनको ऐसी निकल गए थे, उन्होंने सुध बुध खो के निकल गए, तो कोंडापुर में कहाँ की मिले कहते बेहोशी हालत में, फिर उनको घर को ला के छोड़े 4-5 दिन तक नहीं पहचाने कहते किसको भी, फिर ये थोड़े दिन के बाद में ये सुनने में आया, तो इसके बारे में इंक्वायरी। हाँ सही था, बिल्कुल सही था, बिल्कुल उन्होंने बहुत ताकतवर थे, उन्होंने पीते थे, लेकिन अपने आप को संभाल के रख, कितना भी पिए तो उन्होंने होश में रहते थे, उन्होंने कभी अपनी जान को संभाल के रखते थे, उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा सकते बोल के हम लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा। हम लोग इंक्वायरी बिठाना उनके ऊपर, उन लोगों को केस होना बोल के हम लोगों को ये अपील है तेलंगाना हुकूमत से और KCR अन्ना से और कमिश्नर ऑफ पुलिस से।